हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर पॉइंट फॉर यू। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंफोसिस, ईवाई और टाटा कम्युनिकेशन की तरफ से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए देखने को मिल रही है। और इसमें आपको बता दूं, इंजीनियर नॉन इंजीनियर सभी एलिजिबल होने वाले हैं। तो मैं आपको लिए हर एक चीज़ वन बाय वन डिस्कस करूँगा, क्राइटेरिया क्या है, प्रोसेस क्या है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। लेकिन उससे पहले, हमारे चैनल पर न्यू हो और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि इन फ्यूचर में किसी भी प्रकार की अगर कोई भी अपलोड करूं वीडियो, चाहे ऑफ कैंपस हायरिंग से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी कंपनी से कोई अपडेट रिलेटेड वीडियो, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ऑलरेडी हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी है मैंने, चाहे ऑफ कैंपस हायरिंग से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी कंपनी से कोई अपडेट रिलेटेड वीडियो, तो और आप एक बार गो थ्रू हो सकती हूँ, ठीक है। प्लेलिस्ट भी अवेलेबल आपके लिए, अपनी आवश्यकता के अनुसार देख सकते हो, ठीक है। तो बस चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। की तीन अपॉर्चुनिटी होने वाली है इंफोसिस, ईवाई और टाटा कम्युनिकेशन की तरफ से। सबसे पहले हम टाटा कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं, जिसमें आपका एक कोई भी मतलब बैकग्राउंड वाला अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और ये होने वाली जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और 14 मार्च 2023 को अपलोड की गई है। जब तक ये लिंक मतलब ओपन हो रहा है तब अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और लोकेशन आपकी चेन्नई होने वाली है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, एजुकेशन की ग्रेजुएट एक्सपीरियंस 0 से लेकर 2 ईयर तक का, ठीक है। और उसके अलावा कोई भी ग्रेजुएट हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक नॉलेज आपको नहीं मांगी गई है कि हाँ इस पर्टिकुलर चीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए। और जॉब डिस्क्रिप्शन में भी आप देखोगे तो LND मैनवर्क्स मतलब कि नेटवर्किंग से रिलेटेड अगर चीज़ों के आपके पास नॉलेज है तो आपके लिए एडवांटेज है, ठीक है। तो मतलब कि मोस्टली आपका नेटवर्किंग हो गया, सिस्टम रिक्वायरमेंट हो गया, ड्राइव स्टोरेज वगैरह, इन सबसे ही रिलेटेड। सेकेंड अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करें तो EY की तरफ से है, जो होने वाली है फुल स्टैक डेवलपर इंटर्न, ठीक है। और ये अपलोड की गई है 25 मार्च 2023 को, ठीक है। और यहाँ पर प्राइमरी लोकेशन आपकी होने वाली बेंगलुरु। और यहाँ पर हम देख लेते हैं फुल स्टैक डेवलपर में आपको पता होगा किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, बाकी हम पढ़ के आपको सुना देते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट है बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसमें BTech, उसके बाद MCA MBA कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए, इंजीनियर बैकग्राउंड होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस इन .NET हो गया, फिर आपका हो गया कोर नेट हो गया, एंटायटी फ्रेमवर्क हो गया, JS हो गया, रिएक्ट नेटिव हो गया, एंगुलर हो गया, MS SQL, अजूर हो गया, कोर हो गया, गिट हो गया, ठीक है। तो ये जो फ्रंट फुल स्टैक में आपको पता ही है फ्रंट एंड बैक एंड सभी आ जाता है। तो अगर आपको इन में इंटरेस्टेड है तो बाकी अपॉर्चुनिटी तो अच्छी है, ठीक है। अप्लाई करना बिल्कुल भी मत भूलना। ये थी हमारी सेकंड अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी की बात करें, ये होने वाली है इंफोसिस की तरफ से, ठीक है। प्रोसेस एग्जीक्यूटिव अगर आपने कभी अप्लाई किया तो आपको पता है इंजीनियर को छोड़ के बाकी सभी एलिजिबल होते हैं, ठीक है। इसमें एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं मांगा गया है और इसमें आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, कंप्यूटर की नॉलेज होगी और कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होगी तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो और आप सिलेक्ट भी हो सकते हो, ठीक है। तो ये होने वाली कस्टमर सर्विस की, मतलब कि चैट के थ्रू, ईमेल के थ्रू या फिर फ़ोन कॉल के थ्रू आपको प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करनी पड़ेगी कस्टमर की, ठीक है। तो अगर आप तीनों में से किसी में भी इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई जरूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।